है गुरु पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। हिंदुओं में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान भी होता है। पूर्णिमा के महापर्व पर काशी में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मठों आश्रमों को रज रज कर सजा सवारा गया है। धर्म अध्यात्म की नगरी काशी में आषाढ़ पूर्णिमा पर गुरु चरण पखारने के बाद अगले दिन से बाबा का प्रिय मास सावन लहराएगा। शिष्य गणों ने गुरुजनों की पूजा आराधना का महापर्व गुरु पूर्णिमा मनाया। गुरु तो शिष्यों के कल्याण के लिए सदा तैयार, लेकिन तिथि विशेष के लिए मठों आश्रमों को रच रच कर सजा सवार दिया गया। इसके पूर्व संध्या पर सोमवार को ही शिष्यों के जत्थे आश्रमों में पहुंचने लगे। संत मंत अनुयायी आश्रम मठ गढ़वा घाट सर्वेश्वरी समूह की पड़ाव स्थित अघोर पीठ और बाबा कीनाराम स्थली की क्रीकुंड समेत गुरु दरबारों समेत आसपास के क्षेत्र में मेला भी सजाया गया। वहीं सावन के पहले ही दिन दर्शन अभिषेक के लिए कांवरियों के जत्थे और श्रद्धालु भी उमड़ पड़े। पहले दिन गुरुजनों के दर्शन होते हैं तो दूसरा दिन बाबा को समर्पित किया जाता है। आज के दिन का सबसे बड़ा महत्व है इस पूरे ब्रह्मांड में, जो भी आत्माएं यहाँ पर हैं उपस्थित इस वक्त इस लोक में इस पृथ्वी पे, उन सब के उद्धार के लिए आज का ही दिन सबसे महत्वपूर्ण है। क्योंकि गुरु जो हैं वो संपूर्ण माँ यही है, और यही आज के दिन अपने बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, अपने बच्चों को शक्ति देते हैं और उनको ये शिक्षा देते हैं कि वो इस दुनिया में आकर के सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें, जिससे कि उनका ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाए और सुरक्षित रहे। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु को हम माँ के समान समझते हैं। गुरु में ही माँ हमारी समाहित है। गुरु पूर्णिमा साल में एक बार पर्व है। ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। चाहे हम कहीं भी हो, किसी कोने में भी हो देश के, इस समय हम सब एकत्रित होके गुरु पूर्णिमा में शामिल होते हैं और नई ऊर्जा और एक आशीर्वाद इनसे मालिक से महादेव से लेके जाते हैं अपने अपने जगह। और हर साल की भांति इस साल भी हम लोग एकत्रित हुए हैं यहाँ। देश भर में गुरु पूर्णिमा का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन आदि गुरु महाभारत के रचयिता और चार वेदों के व्याख्याता महर्षि कृष्ण देव व्यापन व्यास यानी कि महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वे संस्कृत के महान विद्वान थे। महाभारत जैसा महाकाव्य उन्हीं की देन है। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने ही व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया था। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया।